हाउ आर यू, आप लोग कैसे हो, देखो पूछो, मैं आपको पूछ रही हूँ हाउ आर यू, इसका मतलब है आप कैसे हो, तो आपको जो भी पूछेंगे हाउ आर यू बोलेंगे तो आपको कैसा रिप्लाई देना है, आपको रिप्लाई देना है आई एम फाइन थैंक यू। क्या रिप्लाई देना है आपको? आई एम फाइन थैंक यू। फिर देखो, मैं आपको कल बताई थी व्हाट इज योर नेम का कौन सा रिप्लाई देना है, मैं आपको बताई थी व्हाट इज योर नेम बोलने से आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है माई नेम इज बोल के आपका जो नाम है वही बोलना है। क्या बोलना है? माई नेम इज बोल के अपना नाम बोलना। अब हाउ आर यू बोलने से क्या बोलना है? हाउ आर यू, आपको जो भी हाउ आर यू बोलेंगे तो आपको रिप्लाई देना है आई एम फाइन थैंक यू। क्या बोलना है? हाउ आर यू बोलने से आई एम फाइन थैंक यू बोलना है। फिर आज हम इंग्लिश का राइट टर्म लिखेंगे। क्या लिखना है? राइट टर्म। राइट टर्म कैसे लिखना है आपको बता रही हूँ। ऐसे देखो, ये ऐसे ऐसे डॉट डॉट है, तो हमको इसको ऐसे धीरे 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 जोड़ना है, तो वो हो जाएगा राइट टर्म। ऑल इन वन बुक में ऐसे है डॉट डॉट का सिंबल है, तो आपको ऐसे जोड़ने से ये राइट टर्म हो जाएगा। देखो, बता रही हूँ ध्यान से देखो, ये डॉट डॉट का जो है ना, ये डॉट डॉट है जो आपको इसको बिंदी को जोड़ना है, ये ऐसे ऐसे स्पेस देखो, ये बिंदु है तो आपको इसको जोड़ना है, ये जोड़ने से राइट टर्म बन जाएगा। क्या होगा? राइट टर्म। पहले हम क्या सीखे थे? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, राइट करेगा स्लांटिंग लाइन, अभी आ गया राइट टर्म। ये क्या है? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट टर्म, राइट टर्म, और ये है राइट, सॉरी